हेलो एवरीवन, अ वॉर्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू एट आवर यूट्यूब चैनल सीए संसार। दिस इज नंदिता नांगिया फ्रॉम सीए संसार एंड टुडे वी विल डिस्कस दैट हाउ टू कैलकुलेट डीपी, दैट इज ड्राइंग पावर। एंड फॉर दैट आई वुड लाइक टू वेलकम सीआईपी विवेक खुराना सर। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, अ वॉर्म वेलकम टू यू एट आवर यूट्यूब चैनल सीए संसार एंड थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम टू अस। Before Vivek sir start his deliberation, I request you all that please subscribe to our YouTube channel CA Sansar and also press the bell icon for receiving all the notifications about our new videos and webinars. So sir, can you please guide us on the calculation of DP, that how to calculate it and एक proper DP कैसे calculate की जाती है? Sorry, my mic was mute. So thank you very much, Nandita ji, for such a warm welcome. And my sincere thanks to team CA Sansar for giving me once again opportunity to discuss on a very, very important topic, because now it's the time for the bank branch audit and to calculate the DP, drawing power, for the CC limit, koi account hai ya working capital facility hai aapke paas. तो उसमें हाउ वी कैन कैलकुलेट एंड दिस इज नॉट ओनली फॉर द पर्पस ऑफ बैंक ब्रांच स्टैच्यू ऑडिट वी हैव टू चेक एट द टाइम ऑफ स्टॉक ऑडिट जब हम स्टॉक क्रेडिट करते हैं किसी भी क्लाइंट्स का फ्रॉम द बैंक्स और द कंकरेंट ऑडिट देन आल्सो वी हैव टू चेक कि क्या डीपी लिमिट है तो आई विल शो यू थ्रू द पीपीटी लेट मी शो यू यस सो बैंक ब्रांच ऑडिट हाउ टू कैलकुलेट द ड्राइंग पावर जिसको हम डीपी भी कहते हैं फॉर कैश क्रेडिट और द वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी तो इसके हम कुछ एग्जांपल भी देंगे तो बिफोर दैट वन डिस्क्लेमर इज देयर ऑल दीज आर माय पर्सनल व्यूज एंड कांट बी कंसीडर द व्यूज ऑफ द एनी अदर पर्सन और एनी अदर अथॉरिटी डोंट टेक इट एनी लीगल एडवाइस आर द पर्सनल एडवाइस आर द लीगल ओपिनियन आर द प्रोफेशनल ओपिनियन एंड द पर्पस ऑफ दिस वीडियो इज टू स्प्रेड नॉलेज इंफॉर्मेशन अवेयरनेस and shall not be treated as solicitation in any manner or for any other purpose whatsoever. And my request to all the viewers, please also can check the RBI notifications, bank circular, bank notification and ICAI guidance note on the DP calculation. So DP calculation se pehle, let's discuss about the CC और या वर्किंग कैपिटल लिमिट कहते हैं इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हमारे वीडियोस में वो सीए संसार यूट्यूब चैनल में मिल जाएंगे आपको टाइप ऑफ एडवांसेस जिसमें हमने डिस्कस किया था फंड बेस्ड में टर्म लोन या फिर सीसी लिमिट एक्सेट्रा ओडी लिमिट वगैरह वो पूरा डिस्कस हम कर चुके हैं तो इसके ऊपर पूरा डिटेल में हम डिस्कस नहीं करेंगे तो सीसी जो कैश क्रेडिट आपके अकाउंट है बेसिकली जिसको हम वर्किंग कैपिटल भी कहते हैं दिस इज जो बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो अलाउ करते हैं टू द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सो दैट दे कैन यूज इट फॉर द पर्पस ऑफ देयर डे टू डे कि जो उनको वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी देते हैं बैंक्स के थ्रू तो एक कैश क्रेडिट लिमिट या वर्किंग कैपिटल लिमिट दे देते हैं वो कैसे देते हैं उसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे तो अकॉर्डिंगली व्हेनेवर द बोरोअर्स नीड सम फंड्स तो वो बैंक से विड्रॉ कर लेते हैं इट्स नॉट लाइक टर्म लोन की आपको एक साथ लोन दे दिया और उसकी आपको ईएमआई पे करनी है इसमें आपकी एक लिमिट हो जाती है सीसी लिमिट वो कैसे चेक करते हैं वो भी हम डिस्कस करते हैं सो दैट व्हेनेवर ही नीड्स बोरोअर नीड्स ही आर शी बोरोअर नीड्स तो वो विड्रॉ कर सकते हैं दैट अमाउंट एंड दिस वर्किंग कैपिटल लिमिट जो जो सीसी लिमिट या वर्किंग कैपिटल लिमिट है दिस इज फॉर ए पीरियड ऑफ वन ईयर के लिए सैंक्शन करते हैं बैंक फिर उसको साथ साथ वो रिन्यू कर लेते हैं एवरी ईयर्स और on the basis of उनके financials या फिर on the basis of projected balance sheets वगैरह उसके basis पे या तो वो same limit bank renew करते हैं या फिर उसको enhance कर देते हैं या फिर उसको reduce करते हैं it depends on the performance of the borrowers तो ये जो DP limit है अभी तो हमने discuss किया था cash credit या working capital जो facility देते हैं banks के financial institution तो जो DP है जिसको हम drawing power कहते हैं This is very, very important concept in case of अगर कोई आपको CC limit मिली है या working capital facility मिली है bank से तो इसमें जो DP limit है वो उस amount तक you can withdraw the funds आपको एक limit sanction होगी उसमें से आपको for this amount आप जो DP limit है you can withdraw the amount and जो ये withdraw करेंगे amount उसका कैसे करेंगे वो है
आपका जो सेंक्शन बैंक कर रहा है, जितनी आपका अकाउंट बैंक ने सीसी लिमिट आपकी सेंक्शन करी है, वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करी है, एंड डीपी जो आप कैलकुलेट करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे मैं अभी आपको बताता हूँ, विच एवर इज लेस, तो रिमेंबर दिस थिंग, डीपी कैन नॉट एक्सीड द सेंक्शन अमाउंट, जो सेंक्शन अमाउंट है बैंक का सेंक्शन लिमिट से उससे हायर नहीं हो सकती। तो इसका क्या फॉर्मूला है, तो जो कैश क्रेडिट जो उसमें बोरर कितना अमाउंट यूटिलाइज कर सकते हैं, जो सेंक्शन कैश क्रेडिट लिमिट है या फिर जो ड्राइंग पावर अराइव्ड है, जो हम फार्मूले से निकालेंगे, विच एवर इज लेस, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आगे भी अभी हम डिस्कस करेंगे। देन जो हम कैलकुलेशन ऑफ ड्राइंग पावर है कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इट्स डिपेंड्स जो डिफरेंट बैंक्स हैं अकॉर्डिंग टू बैंक वाइज है, तो बट जो एक मेन जो मैं आपको एक फार्मूला बता रहा हूँ, तो जो ड्राइंग पावर अराइव्ड होगी इट्स बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ स्टॉक, बुक डेट्स एंड क्रेडिटर स्टेटमेंट जो बोरवर सबमिट करेगा, ऑन दैट बेसिस जो भी अगर आपको सेंक्शन लिमिट है उसके अकॉर्डिंग अगर आपने डीपी कैलकुलेट करनी है, तो जो उसकी लेटेस्ट आपको वो आपको स्टेटमेंट सबमिट करेगा रिगार्डिंग द स्टॉक बुक डेटर्स, उसके बेसिस पे अकॉर्डिंगली डीपी कैलकुलेट होगी। एंड दिस डीपी जो ड्राइंग पावर है वो कैलकुलेट करेंगे ऑल्सो ऑन द बेसिस ऑफ जो आपका मार्जिन है एंड अदर टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन इन द सेंक्शन लेटर। रिमेंबर वन थिंग, मैं आपको एक बात बताऊं, क्योंकि आप बैंक ब्रांच ऑडिट कर रहे हैं अभी अभी, तो जो टर्म लोन्स वगैरह हैं उसमें इतने इश्यूज आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है, अगर उसका इंस्टॉलमेंट्स नहीं आई तो वो एनपी हो जाएगा अकॉर्डिंगली दैट, बट मेजर इश्यूज जो आपको मिलेंगे, आपको कैश क्रेडिट जो सीसी वाले या ऑडिट लिमिट के अकाउंट्स हैं उसी में सबसे ज्यादा इश्यूज मिलेंगे। तो माई सजेशन टू ऑल ऑफ यू, उस पर ज्यादा फोकस करने के बजाय, टर्म लोन के बजाय, यू शुड फोकस मोर ऑन द कैश क्रेडिट जो वर्किंग कैपिटल या सीसी लिमिट अकाउंट है उसके ऊपर ज्यादा फोकस करो। और एक और बात, जो सेंक्शन लेटर है आपका, जो सेंक्शन लेटर हम इश्यू करते हैं, बैंक इश्यू करते हैं टू द बोरोवर्स, रिमेंबर दिस थिंग अगेन, आई एम सेइंग पिछले वीडियोज में भी मैंने बोला था, दिस इज द बाइबल्स, तो उसको यू शुड गो थ्रू इट, आपको उसमें टर्म्स एंड कंडीशन सारी मिल जाएंगी कि कितना मार्जिन लेके आएगा जो बोरोवर्स है, क्या पैनल इंटरेस्ट है उसके ऊपर, जो स्टॉक के ऊपर क्या मार्जिन है, डेटर्स के ऊपर क्या मार्जिन है, अदर टर्म्स एंड कंडीशन मस्ट गो थ्रू इट। तो किसी भी आप सीसी अकाउंट चेक कर रहे हो तो उसका सेंक्शन लेटर यू शुड गो थ्रू इट। देन जो मार्जिन, जो मार्जिन का मीनिंग है, मार्जिन को उसमें जो मैंने अभी बताया सरफेस मार्जिन, इट्स बाय द ओनर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, तो इट्स डिपेंड, वो डिफरेंट बैंक्स का अलग अलग हो सकते हैं टर्म्स एंड कंडीशन, बट जो एक एक जो एक एक्सेप्टेड फार्मूला है उसके अकॉर्डिंगली जो स्टॉक्स है उसके ऊपर 25% एंड बुक डेट्स जो डेटर्स वगैरह के हैं उसके ऊपर 40%। अगेन आई एम सेइंग इट कैन बी वेरी फ्रॉम बैंक टू बैंक एंड इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, हो सकता है कोई इंडस्ट्री है जिसमें लॉन्ग टर्म साइकिल्स है तो उसमें अलग है वो, मतलब बैंक्स है, कुछ बैंक्स आपको डिफरेंट उसमें क्राइटेरिया देंगे मार्जिन के लिए, बट यस जो एक मोस्ट ऑफ द केसेस में ये फार्मूला आपको मिलेगा। एंड जो बैंक्स हैं वो कैलकुलेट करेंगे, अपडेट करेंगे डीपी ऑन द बेसिस ऑफ जो उनके पास मंथली या क्वार्टरली स्टॉक स्टेटमेंट आएगी या जो डेटर्स की डिटेल क्रेडिटर्स की डिटेल आएगी उसके बेसिस पे वो मंथली उसको रिड्यूस या इंक्रीज बट अप टू द लिमिट ऑफ सेंक्शन लिमिट है उस तक कर सकते हैं। अब इसमें कुछ फॉर्मूला जो है कैसे हमने कैलकुलेट करने है डीपी को, जो ड्राइंग पावर कैलकुलेट करेंगे इट्स ऑन द बेसिस ऑफ नेट वैल्यू ऑफ स्टॉक प्लस नेट वैल्यू ऑफ डेटर्स। फिर मैं कह रहा हूँ यू हैव टू चेक द सेंक्शन लेटर, तो सेंक्शन लेटर आप जब चेक करेंगे हो सकता है आपकी कंबाइंड लिमिट हो या हो सकता है स्टॉक के लिए अलग से लिमिट हो या डेटर्स के लिए अलग लिमिट हो एंड टोटल वन लिमिट है, तो दैट यू हैव टू चेक एज पर द सेंक्शन लेटर। मैं अभी आपको एग्जांपल्स में भी बताऊंगा। एंड देन व्हाट इज द नेट वैल्यू ऑफ स्टॉक, नेट वैल्यू ऑफ स्टॉक्स मीन्स जो आपके स्टॉक्स हैं माइनस क्रेडिटर्स, जो आपके क्रेडिटर्स हैं ऑन दैट बेसिस ऑफ दिस दैट स्टॉक मल्टीप्लाइड बाई 100% जो इसका 100% एंड माइनस मार्जिन ऑफ स्टॉक, जो आपका मार्जिन है एज पर सेंक्शन लेटर वो मैं करेंगे तो दैट विल बी योर नेट वैल्यू ऑफ स्टॉक। एंड नेट वैल्यू ऑफ डेटर्स मीन्स डेटर्स, क्योंकि डेटर्स में से क्रेडिटर थोड़ी माइनस करेंगे, डेटर्स
मल्टीप्लाइड बाई 100 माइनस मार्जिन, उसका जितना मार्जिन है जैसे हमने बताया था वहां पे, फॉर एग्जांपल स्टॉक माइनस क्रेडिटर इनटू 75% उसका आ जाएगा, डेटर में से अगर 25-40% है, डेटर्स इनटू 100 माइनस 40% 60% उसका आ जाएगा। तो दिस इज द फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द ड्राइंग पावर, नेट वैल्यू ऑफ स्टॉक प्लस नेट वैल्यू ऑफ डेटर्स, क्लियर है। अब कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं फॉर कैलकुलेटिंग द डीपी। जब आप डीपी कैलकुलेट करेंगे तो एज पर जो आरबीआई गाइडलाइंस है, जो बैंक्स को डीपी कैलकुलेट करनी है दैट शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ योर लेटेस्ट स्टॉक स्टेटमेंट। तो आपको सेंक्शन लेटर में चेक करना है कि वेदर स्टॉक स्टेटमेंट उसमें क्या मेंशन है कि मंथली आपने सबमिट करनी है जो बोरवर ने, या फिर क्वार्टरली बेसिस पे सबमिट करनी है। तो मंथली है तो आपको चेक करना है कि डीपी लेटेस्ट मंथ की कैलकुलेट करी है, या फिर लेटेस्ट मंथ की आपकी क्वार्टरली मंथ की आपकी उसके बेसिस पे चेक करिए। बट रिमेंबर दैट थिंग दैट शुड नॉट बी ओल्डर देन द 3 months। उसमें भी एमपीए का प्रोविजन है 3+3 months 180 days जब वो है तो फिर एनपीए हो जाएगा अगर आपकी उसमें स्टॉक स्टेटमेंट नहीं मिली हुई तो। सेकेंड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने अभी पहले भी बताया आपको, जो फाइनल ड्राइंग पावर होगी इट शुड बी लोअर ऑफ द सेंक्शन लिमिट एंड द ड्राइंग पावर, उसमें से जो भी लेस हो, मीन्स सेंक्शन लिमिट से इंक्रीज नहीं होगी आपकी ड्राइंग पावर। सेकेंड, जो स्टॉक हम कंसिडर करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ डीपी शुड बी इंश्योर्ड स्टॉक, कि अगर किसी स्टॉक का इंश्योरेंस नहीं है तो उसको आपने ऐड नहीं करना, बिकॉज अगर उसको ऐड करोगे दैट मींस यू आर नॉट डूइंग द ट्रू नॉट कैलकुलेटिंग द ट्रू ड्राइंग पावर। तो रिमेंबर दैट थिंग, स्टॉक शुड बी इंश्योर्ड। एंड सेकंड, बुक डेट्स। तो बेसिकली जो हम मोस्टली हम देखते हैं तो बुक डेट्स जो डेटर्स हैं शुड नॉट एक्सीड मोर देन 90 days, कि आप 90 days तक तो आप कंसीडर कर लेते हैं, 90 days जब वो कंसीडर नहीं करने। बट येस दैट यू हैव टू सी कि वो जो उसका लाइफ साइकिल कौन सा है, क्रेडिट साइकिल, लोअर क्रेडिट साइकिल है, मैंने आपको बताया कि दैट डिपेंड्स ऑन इंडस्ट्री एंड बैंक टू बैंक। तो आपको सेंक्शन लेटर में भी मेंशन होगा कि कितने दिन के आपको जब सेंक्शन करेंगे बैंक तो उसमें मेंशन होगा कितने तक होगा। तो लेट्स सी एग्जांपल, मेथड वन से हम एग्जांपल लेते हैं कि अगर इन दिस केस लिमिट सेंक्शन है 12 लाख रुपीज की, ये जो आपकी लिमिट सेंक्शन है 12 लाख रुपीज की, तो इस केस में जो स्टॉक है बोरोवर के पास दैट्स द 14 लाख, उसमें से हम क्रेडिटर्स हैं जो स्टॉक के ऊपर क्रेडिटर्स हैं दैट्स द 3 लाख रुपीस। तो जो नेट पेड स्टॉक है, हमने पीछे डिस्कस किया था स्टॉक मींस नेट पेड स्टॉक मींस स्टॉक माइनस क्रेडिटर्स, तो दैट्स 11 लाख। और मार्जिन जो है आपका उसमें मेंशन है आपके सेंक्शन लेटर में 25%, तो वो मार्जिन भी लेस कर देंगे 2.75 लाख। तो टोटल आपकी ड्राइंग पावर फॉर द स्टॉक कितनी होगी 8.25 लाख, दिस इज फॉर द स्टॉक। और मैं आपको इसको एक्सक्लूसिव मतलब अलग अलग ले रहा हूँ, कई बार कंबाइंड भी ले लेते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं, आप किसी से भी कैलकुलेट करते हैं। अगर आपने खाली स्टॉक्स के ऊपर कैलकुलेट करनी है, या फिर खाली डेटर्स के ऊपर कैलकुलेट करनी है, या कंबाइंड करके करनी है, तो उसका सेम थिंग आएगी। अगर आपके टोटल बुक डेट्स हैं 5 लाख रुपए के, मोर देन 90 डेज कितने हैं 1 लाख रुपीज, तो नेट डेटर्स कितने होंगे आपके 4 लाख रुपीस। और जो मार्जिन है आपके सेंक्शन उसमें सेंक्शन लेटर में 40%, मैं वही 25-40% जो एक बेसिक रूल है उसी को ले रहा हूं, तो 1.6 दैट कैन बी चेंज अकॉर्डिंग टू द बैंक्स एंड द इंडस्ट्री। तो बैंक उसके लिए डेटर्स के लिए डीपी कितनी होगी 2.4, और हम दोनों की चेक कैलकुलेट करेंगे तो 8.25 प्लस 2.40 10.65, तो 12 लाख आर 10.65 व्हिचएवर लेस 10.65 is the DP to be allowed. अब इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। अगर उसको लिमिट सेम क्वेश्चन में जो पीछे हमने डिस्कस किया था, इसमें हम अगर स्टॉक को 15 लाख ले लेते हैं, स्टॉक्स की थोड़ी इंक्रीज कर देते हैं वैल्यू, और क्रेडिटर्स आपके 3 लाख हैं, तो नेट पेड स्टॉक 12 लाख, मार्जिन लेस करेंगे 25% 3 लाख, तो कितनी आपकी डीपी आएगी 9 लाख फॉर द स्टॉक्स। और अगर डेटर्स आपके बुक डेट्स हैं 6 लाख, मोर देन 90 डेज 1 लाख, तो 5 लाख बैलेंस, 40% मार्जिन रिड्यूस कर देंगे तो बाकी ड्राइंग पावर कितनी आ जाएगी 3 लाख, तो टोटल 9 और 3 12। अगर यहाँ पे मैं इसको इंक्रीज कर देता हूँ 15 या 16 कर देता हूँ, तो उस केस में फिर ये ड्राइंग पावर 12 लाख, अभी तो 12 लाख है, अब दोनों केस में 12 है तो 12 ही उसकी ड्राइंग पावर है। बट अगर ये दोनों फॉर एग्जांपल इसको अगर इस हम लेते हैं 12 से अबव आ जाते हैं, मतलब 12.5 या 13 या 14 आ जाते हैं, देन योर डीपी वुड बी 12 लाख, वो भी एक और एग्जांपल आएगा। तो ये मेथड था।
अब एक और मेथड से हम देखते हैं डीपी कैलकुलेशन। तो फॉर एग्जांपल लिमिट सेंक्शन है 100 लाख, किसी बैंक ने बोरोवर्स की लिमिट सेंक्शन की 100 लाख, और उसमें मेंशन कर दिया कि मार्जिन आपका कंबाइंड मार्जिन बता दिया कि आपको 25% है, चाहे डेटर्स अलग अलग नहीं किया, मैंने जो पीछे बताया था दैट सेपरेट, कि अगर आपका डेटर्स के लिए मेंशन अलग है सेपरेट और स्टॉक के लिए मेंशन अलग है, बट यहाँ पे उन्होंने कहा 25%, और वैल्यू ऑफ स्टॉक कितनी है आपकी 60 लाख, बुक डेट्स कितने हैं, यहाँ पे भी मैं कंबाइंड ले रहा हूँ 90 डेज हटा के 45, और यहाँ पे अगर कुछ एडवांस पे किया आपने स्टॉक्स के लिए वो भी इंक्लूड होगा, रॉ मटेरियल स्टॉक या रॉ मटेरियल वगैरह के लिए, या फिर उसमें क्रेडिटर्स हैं स्टॉक और रॉ मटेरियल के लिए वो लेस करेंगे, और फिर जो एडवांस मिला है आपको कस्टमर से फॉर जो आपके फिनिश गुड या स्टॉक्स के लिए तो वो लेस करेंगे, तो ये टोटल आ जाएगा आपका नेट अमाउंट 95 लाख रुपीज। मैं ये कंबाइंड बता रहा हूँ, वो पीछे मैंने इंडिविजुअल इंडिविजुअल बताया था, यहाँ पे कंबाइंड है स्टॉक और डेटर्स की लिमिट आपकी 100 करोड़ की है, 60 लाख के स्टॉक्स, बुक डेट्स आपके 45 लाख के, एडवांस जो आपने पेड किया स्टॉक्स रॉ मटेरियल के लिए वो भी आपके वो 20 लाख वो भी स्टॉक होगा आपका, क्रेडिटर्स और स्टॉक मटेरियल वो 25, और एडवांस जो रिसीव 5 लाख, तो नेट आपका आएगा 95 लाख। अब इसमें से जो 25% जो सेंक्शन लेटर में मेंशन था 25% आपका मार्जिन है, दैट वुड बी 23.75 लाख। तो इस केस में ड्राइंग पावर कितनी होगी, 95 माइनस 23.75 71.25, और 71.25 और 100 लाख विच एवर लेस, तो 71.25 ड्राइंग पावर टू बी अलाउड। अब इसी क्वेश्चन को हम अगर चेंज कर दें थोड़ा सा, तो लिमिट सेंक्शन 100 लाख, मार्जिन 25%, स्टॉक की वैल्यू यहाँ पे अगर आपकी 100 लाख रुपीस, और आउटस्टैंडिंग बुक डेट्स इसको थोड़ा इंक्रीज करते हैं 45 लाख, फिर एडवांस जो है जो आपने पे किया स्टॉक और रॉ मटेरियल के लिए 20 लाख, जो क्रेडिटर्स है फॉर स्टॉक और रॉ मटेरियल 25 लाख, एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर वही सेम 5 लाख, तो यहाँ पे नेट कितना अमाउंट होगा, टोटल 135 लाख, और मार्जिन लेस करेंगे 25%, 33.75, तो कितना ड्राइंग पावर आ जाएगा, 135 लाख माइनस 33.75, तो 101.25 लाख आपका ड्राइंग पावर, 1 crore 1 lakh 25,000, बट आपकी लिमिट कितनी है, सॉरी ये लाख में 101 करोड़, तो 101 crore 25 lakh आपकी, और 100 करोड़ विच एवर इज लेवर लेस कितने होंगे 100 करोड़, तो टोटल इस केस में आपकी सैंक्शन लिमिट से अबोव नहीं होगी, तो आपकी कितनी कैलकुलेट करी थी 101.25 लाख, और है कितना आपका सैंक्शन 100, तो आपका ड्राइंग पावर आपकी 100 होगी। सो दिस इज रिगार्डिंग हाउ टू कैलकुलेट द डीपी ड्राइंग पावर इन केस ऑफ आपके जो कैश क्रेडिट या वर्किंग कैपिटल फैसिलिटीज है आपके उस केस में। तो Now I hope जो नंदिता जी आपका क्वेश्चन था, now it's clear. तो this is very very important for not only for the purpose of bank branch audit, it's also for the purpose of stock audit and also for the purpose of जो concurrent audit also, जो मैंने आपको important points बताए थे कि stock statement आपकी कब रिएडिटर्स आपके कब रिसीव हुए हैं, या फिर आपने insured stock लेने, जो important points that you have to check it up. Yes नंदिता जी, Sir, thank you very much for such a wonderful presentation, and I hope that it is very useful for our all the users. And this is my request that please like the video, share it with your maximum friends so that they can also get the benefit through it. And for any further query, please mention them on the comment section. We will reply you soon as it will be possible. Thank you so much for joining. Thank you very much. Bye bye. Take care.